हे गाइस दिस इज़ विनीत हियर वेलकम टू माय चैनल तो इस बार मैंने काफ़ी एग्जाम्स में देखा अपने कॉन्ट्स में काफ़ी लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है खासकर प्री ही नहीं निकल रहा काउंट्स के वजह से जैसे कि मैं काफ़ी लोग को जानता हूं जिनको आरआरबी पीओ प्री में काफ़ी कुछ आता था बट काउ्स में स्कोर बहुत कम हो गया उसके चलते एक दो नंबर पॉइंट टू मार्क्स से उनका कट ऑफ रह गया ओवरऑल क्लियर करने का तो आई डोंट वॉन्ट कि आपके साथ ये आई बी पी एस पी ओ एस बी आई क्लर्क एस बी आई पी ओ प्री में भी हो तो मैं आपको बताता हूँ कौनस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हंड्रेड परसेंट मैं जो बोल रहा हूँ वो आएगा ही उन टॉपिक्स में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है ये आपको मैं आगे बताऊँगा जो आपको करना ही है वो टॉपिक अगर आपने किया तो आपका कॉन्ट्स में अबव एवरेज स्कोर आना ही है ठीक है तो आपको पैटर्न पता है ये पैटर्न है थर्टी फाइव क्वेश्चन ट्वेंटी मिनट्स होते हैं और ब्रेकअप ऑफ ब्रेकअप ऑफ क्वेश्चन जो है मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर डाले तो ये मेरे स्कोर्स थे जो जो कि आप देख सकते हैं एक बार आदमी का ठीक लक हो सकता है दो बार हो सकता है बट हमेशा नहीं तो देखिए बिना कौन्ट्स किए हुए आपका ऐसे टाइप के स्कोर्स नहीं आ सकते कौन्ट्स में भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा मैं ऐसा नहीं बोल रहा कौन्ट्स में एकदम ही अच्छा लेकिन थोड़ा करना पड़ेगा आपको कि आपका ऐसे टाइप का स्कोर है कि आप कट ऑफ से बीस नंबर पच्चीस नंबर दस नंबर ऊपर हो ठीक है तो ऐसे इसके लिए आपको कौन्ट्स अच्छा करना पड़ेगा बाकी मैं आपको बताता हूँ ब्रेकअप ऑफ क्वेश्चन क्या है तो आजकल क्या हो रहा है ये आप देखेंगे डी तो डी जनरली दस क्वेश्चन आते थे या पंद्रह क्वेश्चन अब क्या कर रहे हैं पंद्रह क्वेश्चन में वो केसलेट डाल दे रहे हैं और केसलेट में बहुत बच्चे अटक जाते हैं केसलेट में क्या होता है या तो वेन वनडाइग्राम वाला आता है या तो नॉर्मल केसलेट आता है जो नॉर्मल केसलेट आता है उसमें अगर डेटा बहुत बड़ा है तो आप स्किप करो तभी मत करो बाद में करो अगर आपके पास कुछ नहीं बच रहा है तब लो या कभी कभी ये ईजी भी आता है आपको डेटा देख के समझ में आ जाएगा कि ईजी है तब अटैम्प्ट करो आपको अटैम्प्ट क्या करना है पहले पहले ये तीनों ये तो अटैम्प्ट करना ही है अगर आता है तो इतना इतना या इतना आता ही है तो मैं मान सकता हूँ कि दस दस से ज़्यादा भी आ सकता है बट पी ओ प्री में पी ओ प्री के लेवल वाले एग्जाम्स में दस क्वेश्चन मान सकते हैं हम कि आ सकते हैं जो हार्ड शिफ्ट होगा तो देखो उधर पांच क्वेश्चन भी कर देंगे और बाकी पांच क्या करेंगे वो बाकी पांच क्वेश्चन वो कर देंगे डेटा सफिशेंसी या क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू यही करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बट इसमें यूज़ क्या होता है इसमें अरिथमेटिक का ही यूज़ होता है और वो हार्ड नहीं होता है ठीक है तो वो बताता हूँ मैं तो ये आपको ये तीनों तो इस पर आपका ग्रिप जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए तो ये आपको एवरीडे प्रैक्टिस करना है अब आपको सोर्सेज तो अभी तक पता ही होगा कहाँ से करना है नहीं पता तो मैं सोर्सेज आपको बता दूंगा लिंक में भी आप चेक चेक कर लेना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सब सोर्सेज डाल दूंगा ठीक है जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बाकी आपको आशीष सरोरा सर और असर का पता होगा टेलीग्राम चैनल स्टडीफाइड पर काफ़ी चेकलिस्ट होंगे प्रैक्टिस करने के लिए आप उधर से भी कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो से भी कर सकते हैं मैंने यूट्यूब वीडियो से भी किया था उनके चेकलिस्ट से भी किया था अब देखिए ये जो है मैं इसका मेन आपको बताऊँगा अगर मैं आपको बोलूं कि आप सिर्फ दो या तीन टॉपिक कर लो तो आपका मोर देन फिफ्टी परसेंट अरिथमेटिक इज डन तो क्या आप मानोगे बट ये ट्रू है ये करने से आपको खाली अरिथमेटिक में फ़ायदा नहीं आपको डी में भी फायदा होगा क्योंकि तो डी क्या है आपको अब आगे मैं बताता हूँ तो देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हंड्रेड परसेंट पेपर में आने ही है प्री में स्पीड मैथ्स जो पिछले साइड पे मैंने बताया वो आपको एवरीडे प्रैक्टिस करना है अगर आप स्लो हैं तो आप स्क्वेयर्स क्यूब्स ये सब करते रहिए अभी अगर मैं अभी कुछ कुछ देखिए मल्टीप्लिकेशन ये सब आपको देखना पड़ेगा अगर मैं ट्वेंटी सेवेन इंटू लेवन बोलूँ तो ईजी है ट्वेंटी सेवेन इंटू सिक्सटीन बोलूँ तो अब आप इसको कैलकुलेट मत कीजिए आप, आप क्या कर सकते हैं आप इसको ट्वेंटी फ़ाइव प्लस टू इंटू सिक्सटीन सकते हैं अब आप मुझे पता है ट्वेंटी फ़ाइव इंटू सिक्सटीन क्या होता है पता है ना आपको क्या होता है वो ट्वेंटी फाइव का टेबल पता होना चाहिए ठीक है तो चार सौ होता है ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्सटीन टू इंटू सिक्सटीन थर्टी टू होता है तो मुझे इसका आंसर आ गया फोर थर्टी टू होगा ठीक है सो so, ऐसे टाइप के आपको ये भी आने चाहिए थोड़े आपको हेल्प मिलेगा आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा ये चीज़ ऐसे सेवन सिक्स ज फोर्टी टू सिक्स टू ट्वेल्व ये चीज़ आपको नहीं करना पड़ेगा ठीक है सो so, आई होप ऐसा वाला आप ट्रिक यूज करें और सीखें अगर नहीं करते हैं तो स्क्वेयर्स आपको ट्वेंटी टू थर्टी तो आना चाहिए क्यूज भी आपको ट्वेंटी तक कर लेना चाहिए क्योंकि आ सकता है कुछ भी आ सकता है ये आपको पता होगा तो आपको सिंपलीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आपका जल्दी बनेगा अरिथमेटिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है परसेंटेज एंड रेशियो ये दिन, ये दोनों अगर आपने नहीं किया तो फिर कुछ नहीं कर सकते अकाउंट्स में परसेंटेज से क्वेश्चन तो आता ही है बट रेशियो से भी क्वेश्चन तो आता ही है बट ये डीआई में भी यूज होता है और केसलेट में डीआई और केसलेट इज नथिंग बट परसेंटेज एंड रेशियो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके अलग से क्वेश्चन आते हैं आपने बहुत देखे होंगे वोटिंग टाइप के मेल फीमेल इन अ विलेज ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो ये परसेंटेज रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो सबसे पहले जो आपको करना है यही टॉपिक करना है ये टॉपिक खत्म होगा आपका अच्छे से एकदम तो आप डीआई में अच्छा कर लोगे क्योंकि डीआई में कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज मोर देन परसेंटेज लेस देन वैसे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं रेशियो में भी आपका पता है क्या क्या पूछ सकते हैं काफ़ी क्वेश्चन आपने देखे होंगे तो ये टॉपिक एक बार आपका हो जाता है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा सेकेंड आप फिर बाकी टॉपिक्स कर सकते हो स्पीड डिस्टेंस टाइम ये कर लोगे तो ट्रेनस बोट्स ये हो जाएगा इससे दो से तीन क्वेश्चन भी आ सकते हैं ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेन वाला या बोट्स वाला डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम तो पूछ ही देते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ये करना है आपको थर्ड है वही वैसा ही वर्क एंड टाइम या पाइप्स सिस्टम सेम लॉजिक कुछ अलग लॉजिक नहीं है ठीक है सेम लॉजिक है ये आपको करना इंपॉर्टेंट है, है ये उसके बाद नॉर्मल आपके जो चैप्टर्स है पार्टनरशिप्स ठीक है एजेस अब एजेस में क्या होता है एजेस में या तो इक्वेशन होगा या आप रेशियो से कर लो पार्टनरशिप भी क्या है रेशियो ही है एक तरीके से या परसेंटेज तो मैं इसी के लिए बोल रहा हूँ रेशियो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भी यूज़ होता है रेशियो कैसे यूज़ होता है वर्क एंड टाइम में आपको पता है टाइम और एफिशिएंसी के बीच में क्या रिलेशन है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो अगर टाइम का रेशियो टू इस टू वन है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा वन इज टू टू इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं आपको यकीन नहीं होगा तो आपको इसके लिए टाइम और रेशियो बहुत अच्छे से करना है एजेस का भी आपने देख लिया है रेशियो से कैसे आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप देखिए मैं आपको सोर्सेज बताता हूँ कहाँ से देखना है तो ये टॉपिक्स आपको करने हैं बिल्कुल यही आने हैं पेपर में कोई ये भी नहीं बोल रहा मैं कि नहीं आ, शायद शायद वर्ड यूज ही नहीं कर रहा मैं मैं आपको बोल रहा हूँ हंड्रेड परसेंट गारंटी है मेरा कि आप यही क्वेश्चन देखने वाले हो पेपर में इन्हीं टॉपिक से तो आपको जब पता है कि इन्हीं टॉपिक से आएगा तो आप प्रैक्टिस कैसे नहीं कर रहे आपको ये प्रैक्टिस करना ही है ठीक है ये और बाकी जो टॉपिक्स है आ, मुझे याद नहीं आ रहा वो भी आपको करने वो एक क्वेश्चन उसमें से आते हैं वो करने आप प्री के लिए प्रोबेबिलिटी छोड़ सकते हो प्री के लिए आपको ज़रूरत नहीं है ठीक है मेंस में ये आ जाता है मेंस में ये पूछ देते हैं मैंने तो मेंस के लिए भी छोड़ दिया था नहीं किया था क्योंकि इतना मेरा होल्ड नहीं है इस टॉपिक पे मुझे आता है लेकिन प्री के लिए मैंने कर लिया था बेसिक इसका बस आपको पता होना चाहिए क्या होता है सैम्पल्स स्पेस क्या होता है और ये सब क्या होता है प्रोबेबिलिटी का वो आपको पता होना चाहिए बेसिक बस बाकी आप कर लोगे मतलब अगर अगर एक कॉइन आपको एक कॉइन उठाना है आठ कॉइन् में तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा एक कॉइन उठा लोगे उसका तो वन बाई एट तो वो आपको पता होना चाहिए ऐसे ऐसे होता है तो वो बेसिक है बट वो आप नहीं भी करोगे तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो लेकिन बाकी आपको सब टॉपिक्स करने हैं ये मेन है परसेंटेज रेशियो प्लीज़ मत छोड़ना ठीक है अब सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो आप किसी टीचर को फॉलो करो कोशिक करें आशीष सर हैं आप इनमें से किसी को भी फॉलो कर लो यूट्यूब पे इनके वीडियोस हर चैप्टर के लिए अवेलेबल है ठीक है मैंने भी किया है इनको और मैंने बाकी एक क्लासेस का क्लासेस फॉलो करो मैं ओले बोर्ड फॉलो करता था क्लासेस के लिए वाई टी वीडियोस इनका पूरे देखता था मैं ठीक है जो भी मॉक और जो भी टाइप के वैसे आते थे क्वेश्चन जरिए मैटेक ऑनली वैसे टाइप के मैंने बहुत प्रैक्टिस किए तो वो आपको भी कर दें बाकी अगर आपके पास गाइडली या कुछ है तो आप पी डी यूज कर सकते हैं डेफिनेटली बस बाकी आपको क्या करना है प्रैक्टिस हो गया एक बार आपका तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने टॉपिक वाइज आपके सब टॉपिक्स हो गए तो सेक्शनल लगाने फिर तो ही बचता है तो वही करना है तो आप मुझसे डाउट्स आपको कुछ होगा कि क्या करें कैसे करें या क्या हो रहा है आपके साथ आप मुझे कमेंट में पूछ लो डाउट आपका कौन के लिए या किसी और के लिए भी टॉपिक के लिए हो तो और डाउट क्लियर कर लो और लग जाओ एस बी आई पी ओ प्री आई बी पी एस पी ओ प्री एस बी आई क्लर्क प्री आर बी आई असिस्टेंट प्री सब आ रहा है और के बिना नहीं निकलने वाला अब समझ गए होंगे लेवल कैसे कैसे ऊपर जा रहा है और ऐसा नहीं है कि लेवल बहुत अगर देखिए आप स्पीड मैथ्स के कम क्वेश्चन आते हैं तो आप अरिथमेटिक कर सकते हैं क्योंकि बहुत हार्ड सब क्वेश्चन हार्ड नहीं रहेंगे पैंतीस में बीस क्वेश्चन बनाने लायक रहेंगे पंद्रह क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैंतीस में आप दस ही बना के आए तो आप पीछे हो जाओगे सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आया होगा कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच अपडेट्स एंड स्ट्रैटेजीज थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग